तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन बिंदा जी इस फोरम। स्वागत है आप लोग अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जी इस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, आज से 3 से 4 दिन पहले अपलोड किया गया था आईटीआई इंस्ट्रक्टर में आपका फिटर को लेके, जो बहुत ही एक बवाल हो गया था। लेकिन आईटीआई में सीटीआई वालों की संख्या बहुत ज़्यादा, ये पिछले मैं लगातार 5 दिनों से कहते आ रहा हूँ। लेकिन आज का जो बीटीएससी के द्वारा जो अपलोड किया गया, ये जो ट्रेड है 24/6/2024 को, ये आने वाला जुलाई में, कोई बड़ी बात नहीं है, ये 1 जुलाई, देखिए 3 से 4 दिन के बाद कर दिया गया। और ट्रेड थ्योरी इंस्ट्रक्टर वाले भी अब रेडी रहें स्क्रूटनी के लिए नेक्स्ट वीक में। इतना ध्यान रखिए, नेक्स्ट वीक में, मतलब कि 27-28 के बाद कभी भी, देख लीजिए 4 से 5 दिन का गैप रह रहा है, और 27-28 के बाद कभी भी, या जुलाई के फर्स्ट वीक, चाहे वो 1 जुलाई क्यों ना हो, मे बी कहीं 30 जून को स्क्रूटनी का प्रोसेस बीटेक डिप्लोमा ट्रेड थ्योरी इंस्ट्रक्टर का स्टार्ट हो जाएगा। आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आपके सामने जो ट्रेड है, नंबर ऑफ कैंडिडेट जो 60-70 से 80% है, इस ट्रेड से बिलोंग करते हैं, फीटर के अलावा छोड़ दे। तो देख लीजिए कौन कौन सा ट्रेड है, यहाँ पे देख सकते हैं, व्यवसाय अनुदेशक मैकेनिक डीजल, व्यवसाय अनुदेशक वेल्डर, जहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट, ध्यान रखिएगा मैकेनिकल वाल, नंबर ऑफ कैंडिडेट प्लम्बर, नंबर ऑफ कैंडिडेट फिर से ये एक स्पेशल ट्रेड है फाउंड्री मैन, लोगों के लिए जो बहुत ही बड़ा फीटर जैसा एक ट्रेड है, इलेक्ट्रिशियन, जो बहुत ही, ये बहुत ही ज़्यादा अचंभित करने वाला है। स्क्रूटनी के बाद आप लोग अपना, सॉरी, जब अपना अपलोड कीजिएगा तो प्लीज़ मुझे शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं एक डेडिकेटेड आफ्टर इस जो कट मार्क्स आप लोग का रहा है, उसके बिहाफ पे मैं कट ऑफ बना सकूं इन सब का, और इससे डिसाइड होगा कि आपका ट्रेड थ्योरी इंस्ट्रक्टर में नंबर कितना जाएगा, CITS वालों का कितना वेटेज होगा। तो एक एक पे बात करेंगे। फिर जो सबसे ज़्यादा लोगों के दिमाग में चल रहा है कि ये जो CITS है कि नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में, वायरमैन में, और सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, तो ये सारे जो ट्रेड है सबों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वीडियो पे शुरू से अंत तक बने रहिएगा। क्या प्रोसीजर है मैं बता दिया हूँ, लेकिन आगे क्या क्या करना है आप लोगों को, इसके लिए चैनल पे बने रहिए, और जो नोटिफिकेशन है उसको पूरा ध्यान से समझिएगा। और ट्रेड थ्योरी इंस्ट्रक्टर वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, अब वो लोग अलर्ट हो जाएं और वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और जैसे ही ये स्क्रूटनी का प्रोसेस ऑनगोइंग होगा, जो फिटर इलेक्ट्रिशियन, मतलब आईटी कैंडिडेट, लगभग लगभग 80-90% लगभग ये लोग कवर हो गए इसमें, 90% 90 से क्या, लगभग लगभग ये ख़त्म, प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्टर ख़त्म। अब नेक्स्ट बारी है ट्रेड थ्योरी, जहाँ पे मेन खेल पता चलेगा कि नॉन CITS और CITS, और जो रोडा में, रोडा को लेके एक बहुत बड़ा है ड्राफ्ट वन सिविल, फिर ये सब जो वर्कशॉप कैलकुलेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए जो प्रोसेस है, उसमें कितना हेल्पफुल होगा ये वीडियो, बहुत ही ज़्यादा। तो उसके लिए हम लोग इस पर बात करेंगे, ठीक है। तो अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि आयोग के पत्रांक 13/66/20/6/2024 में दिए गए विस्तृत दिशा निर्देश के आलोक में आपत्ति यदि हो तो दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे। और सेम टू सेम वैसे ही है ये, तो इसका आगे का प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, सेम टू सेम वही प्रोसेस है, उसी की जैसा करना है 20/6/2024 को, उसी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट ही लोग कर दिए हैं, जो कि मैं आपको बताया था कि आपका जो
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में स्क्रूटनी के लिए लोग जो लोग करने का प्रोसेस निकालेंगे, सवा गुना जो रिजल्ट निकालेंगे, आपका जो नंबर ऑफ मार्क्स, जो एक्सपीरियंस, फर्जी एक्सपीरियंस, सबको पे ये लोग ध्यान दे रहे हैं। CITS अब यही देखना है कि जो छोटे ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, डीजल मैकेनिक है, यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे इस ट्रेड से ही पता चल जाएगा कि वहाँ पे नॉन CITS वालों का कितना ज़्यादा वेटेज होने वाला है। ठीक है, ये पूरा आपका विवरण जिसको मैं पहले ही वीडियो में लगभग क्लियर कर दिया था, NCVT SCVT, तो जो चीज़ें आपको अपलोड करना है अगर कोई सा भी त्रुटि हो तो ये BTSC इसको बोला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग कि इसके बिहाफ पे हम लोग ये जो भी आज का जो 24/6/2024 का ये जो नोटिफिकेशन है, इसके लिए सभी लोग आप लोग 8:15 तक वेट मत कराइएगा, मुझे 8:05 के बीच में सभी लोग लाइव आ जाइएगा। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का Super 8 का मैच भी है, तो उससे ज़्यादा ये मैच जरूरी है, इस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग ज़्यादा, इससे आप लोगों का कैरियर बनने वाला है और यहाँ से नंबर ऑफ CITS और नॉन CITS कैंडिडेट पता चल पाएंगे कितने हैं, इलेक्ट्रीशियन को छोड़ दिया तो, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन में नंबर ऑफ कैंडिडेट मुझे पता है बहुत ही ज़्यादा है फिटर और इलेक्ट्रीशियन में। तो जो डीजल मैकेनिक है, वेल्डर है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, वायरमैन में भी लगभग कैंडिडेट हैं, लेकिन कंपेयर टू इलेक्ट्रीशियन के कमी होंगे, लगभग उसके 60% या 50% होंगे, क्योंकि वायरमैन में लोग कम इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन जो भी लोग CITS वायरमैन, तो यहाँ पे कट ऑफ आप लोग लिंक मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कीजिए कि इनका कितना, ताकि मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकूँ और डिटेल मैं आपको 8 बजे लाइव होके, मतलब तुरंत अब से आधे घंटे बाद मैं इस चीज़ को सारा चीज़ क्लियर कर दूंगा। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटो ये है कि आप जितने भी ट्रेड थ्योरी इंस्ट्रक्टर हैं वो सतर्क रहें, बीटेक डिप्लोमा वाले, और इससे जो लोग ITI वाले अपना शेयर करेंगे CITS नॉन CITS कितना मार्क्स हो रहा है, क्योंकि वो पता चल जाएगा। ठीक है, उससे ये पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ CITS कितना है, नॉन CITS कितना है, और इससे ये अंदाज़ा लग जाएगा कि जो इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन में नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं, उसके आधार पर मैं कट ऑफ बता पाऊंगा। अभी कट ऑफ का एक्सपेक्टेशन करना एक तरीके से उचित नहीं है। आज का पूरा टाइम लेते हैं, कल सुबह 11 से 12 के बीच में आपको डेडिकेटेड कट ऑफ जरूर दूंगे, लेकिन सेशन में जरूर जुड़िएगा, और आप लोग जितने भी लोग अपना चेक कर पा रहे होंगे अपना, जरूर मुझे व्हाट्सअप कीजिए 7982027883 पे, ताकि मैं उस पर एक डेडिकेटेड कटअप बना पाऊँ जो ट्रेड थ्योरी इंस्ट्रक्टर वालों को फ़ायदा होगा ही, साथ में जितने भी लोग ITI के बाद डिग्री डिप्लोमा किए हैं और ट्रेड थ्योरी इंस्ट्रक्टर में वो लोग फॉर्म फिल किए हैं, अगर यहाँ पे किसी कारणवश अगर नहीं हो पाया तो वहाँ पे उनको चांस मिलेगा और वो वहाँ एक पॉजिटिव एक सिचुएशन क्रिएट होगा। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना भूलेगा। 8 बजे आप लोग जरूर सेशन में जुड़िए। थैंक यू।